पीछे आप पीछे, तारा ऐसे कर दिमाग खोल रहा है मेरा, चली जाए यहाँ से वो काले, इसको ले जाए इसको बाबा। आओ तुम, क्या कर रहा मुझे, क्या कर रहा बाबा, छोड़ छोड़ बाबा बाबा बाबा, मना किया था तुझे, मत कर, मना किया था बाबा। आपको पता है आपके बेटे ने जिसको मारा है वो इस वक्त आईसीयू में है, अब बस ये दुआ करें कि उसकी जिंदगी बच जाए, नहीं तो आपके बेटे को तो फांसी तय है। आप ही कुछ कर सकते हैं सर, आप किसी तरह उसको छुड़वा दें, वो बिल्कुल बेकसूर है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? दरअसल अभी तफ्तीश जारी है और दुराने तफ्तीश किसी को मिलने की इजाजत नहीं होती। मैं अपने बेटे से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। कौन सी जबान समझती हैं बीबी, आपको कहा ना आप अपने बेटे से नहीं मिल सकती, तो मतलब नहीं मिल सकती। मैं यहां से नहीं जाऊंगी। सैफुल्ला जी सर, सैफुल्ला इनको यहां से बाहर निकालो। मैं यहां से नहीं जाऊंगी। बीबी आप बात को समझें और यहां से जाएं, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सैफुल्ला इनको उठाओ यहां से और बाहर लेके जाओ। बीबी आप उठें, चलें यहां से, चलें इधर से। बहुत खुशी हो रही होगी ना आज तुम दोनों को मुझे ऐसा रोता हुआ देखकर, और तुम तो खुश हो जाओ सितारा, तुम्हारी बद्दुआ जो लग गई है मुझे और बाबर को हमारी खुशियों को। भाभी आप गलत सोच रही हैं, मैंने किसी भी हाल में भाई को बद्दुआ नहीं दे सकती। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अब तुम भी बोलोगे, बातें सुनाओगे, मुझे मजाक उड़ाओगे मेरा, ठीक है बहुत बुरी हूं ना मैं, मेरा अंजाम भी बहुत बुरा होना चाहिए। जा रही हूं मैं यहां से, अपने घर में रहूंगी, अकेली रहूंगी, चाहे फिर जो कुछ भी हो मेरे साथ। भाभी क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात का बुरा नहीं माने, क्या हो गया अभी, कहां जाए, क्या जरूरत है ये सब बातें करने की, जाओ देखकर, और देखो चाचू भी कहां पर है। मैं अकेले थाने में होंगी, टी टाइम। चाय लाती हो क्या? तुम रुको, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, और खाली खाली चाय कौन लेकर आता है? शमीम, शमीम तमीज से ट्रे में चीजें रखकर लेकर आओ, और तुम लेकर आओ, तुम जाओ यहाँ से, यू गो बैक मेड, चलो जाओ। सेल्फी बनाते सोशल मीडिया के लिए, याद कर रहेगी ना जरा अभी। वाह वाह वाह, ये टैग कर देता हूँ, फैल जाएगी। शिवी तुमने जोड़े दिलवा दिए थे ना, सारी सारी शादी की शॉपिंग हो गई, सब खत्म है। सना कपड़े तो अच्छे लगे ना? कोर्स आंटी, आई लव देम ऑल। Shahab has a wonderful taste. आप रुके, मैं आपको लाकर दिखाती हूँ। हाँ सर। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि महर के बारे में हम बात करते हैं। महर कौन है भाई? हक महर। अच्छा लो हक महर, हाँ तो जो को जो मर्जी लिख लो भाई, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा, जो सेबी का वो सना का, जो सना का वो सेबी का, सब हमारा ही हुआ ना। चंदा ये देखो मेरा शादी का ड्रेस, isn't it beautiful? ओ, तुमने तो भाग के शादी की थी ना, दुल्हन बनने का मौका ही नहीं मिला होगा। But won't I look nice?
चाहा तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की? क्योंकि शहाब बस इनफ। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से शहाब का नाम ही सुनूं, वरना जो होगा वो तुम खुद ही देख लोगे। और सुनो, बाकी का सामान जो अंदर पड़ा हुआ है लेकर आओ। बाबर, बाबर, मम्मी, मम्मी आप यहाँ? क्या हुआ? क्या क्या किया तुमने? ये सब क्या है? मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। आप सही समझाती थी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, बस मैं आज भी गुस्से की मारी खा रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। वो एरम को लेकर जा रहा था अपने साथ, मैं क्या करता मम्मी? चाचू आ रहे हैं, हम कोई हल निकालते हैं। बहुत गलत है बेबी, क्या हो गया? चलो चलो खाना लेंगे अभी। एक मिनट यार, क्या कर रहे हैं आप? बात कर रहे हैं हम? अरे चुप करो, तुम बात कर रहे हो तो तमीज से तो बात करें। माँ है मेरी, और तमीज हमें सिखाता हूँ मैं तुम्हारे को, तुम्हें बात करें। चले भैया, ठंडा पीछे करो, इधर से चले, ठंडा पीछे करो, चुप करो मम्मी। आप जाइए, आप जाइए, आप तमीज से बोलने की जरूरत नहीं है। शाबाश, जाए चलो अंदर, चुप, चोर नहीं बजाना, अंदर एकदम खामोश रहना। मम्मी आई होंगी। भाभी जी, क्या हुआ? क्या कहा पुलिस वालों ने? खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो मुराद। भाभी जी आप फिक्र ना करें, मेरा पुलिस में जानने वाला है, मैं उससे जाके बात करता हूँ। बस आप लोग एक काम कीजिए, किसी तरीके से इरम को वापस ले आइए, उसका वहाँ रहना ठीक नहीं है। क्यों, कहाँ चली गई वो? नाराज होके चली गई है। क्या क्या हुआ, क्या है, क्या बात हुई? भाभी जी ये बहस करने का वक्त नहीं है, बस आप उसे वापस लेके आइए, मैं जा रहा हूँ। जाओ, आप पता करके आओ। आप बैठ जाए ना, मैं पानी लाती हूँ। तुम में से बाबर कौन है? चल उठ, साहब बुला रहे हैं, तेरी जमानत हो गई है। इरम, जिद नहीं करते हैं वो लोग, किसी भी वक्त वापस आके तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम हमारे साथ चलो। अच्छा है, एक ही दफा मुझे जान से मारते वो, यू रोज घुट घुट के जीने से तो बहुत बेहतर है। ऐसी बातें नहीं करते हैं हम, पहले ही इतने परेशान हैं, तुम मजीद हमारी परेशानी में इजाफा मत करो। तुम्हारा यहाँ पे अकेले रहना ठीक नहीं है। मैं जैन और अपनी तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे, प्लीज इस बात को भूल जाए और अभी बस चलने की करें। मैंने कह दिया ना, मुझे कहीं नहीं जाना तुम लोगों के साथ। बाहर निकल, हमारी इज्जत नीलाम करके हमारे भाई को मौत के मुंह में पहुंचा दिया और तू यहाँ बैठी हुई है। बाहर निकल वरना घर में घुस के मारेंगे तुझे। तुम्हारे कजन के घर वाले? परेशान चले गए। बात सुनो, तुम किसी सूरत यहां पे नहीं रहोगी अब, बहुत मैंने सुन ली तुम्हारी मनमानी। उठो, अपना सामान बांधो और चलो हमारे साथ। हाँ बस मैं आपकी हेल्प करती हूँ पैकिंग में, चले यहाँ से। चलो जल्दी से। Thank you.
क्या कर रही हो तुम यहाँ? सोग मना रही हो हैं? मेरे बच्चे को नजर लगाओगी? याद है ना क्वार्टर में बंद किया था तुम्हें, फिर बंद कर दूंगी। उठो निकलो यहां से, यहां नजर मत आना मुझे, समझी? Your auntie and my lovely wife. You get seated and let us sit together. Yes. लो भाई, हैं? अंगूठियां भी आ गई। ये लो छेबी, पकड़ पकड़ शाबाश। हैं? और बेटे ये तुम पे ना। से भी बेटा गो अहेड। अच्छा रुक जाओ, ये मंगनी नहीं हो सकती। बंद कर रही है तमाशा, बीवी हो तुम्हारी, प्यार करते हो मुझसे, कैसे कर सकते हो मंगनी शाह? और आप लोग क्या तमाशा देख रहे हैं? क्या हो रहा है यहां पर? शोहर है ये मेरा, कैसे कर सकते हो तुम ये शादी? साथ रहने का वादा किया था हम दोनों ने, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, माफी भी मांग चुकी हूं तुमसे, प्लीज प्लीज आप फेंक दो ये अंगूठी, मत करो, मत करो ऐसा मेरे साथ, प्लीज। सही कह रही हो तुम, चार कम और बेटा पहनाओ, पहले पहनाओ ना तो। यू टू Happy birthday! Oh, happy engagement! For the servants and maids. Let's go for the dinner. Za 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 za
प्लीज आप मुझे तो सच सच बताएं कि सच बात क्या है। क्या बताऊं सितारा बेटा, FIR जो है वो कट चुकी है, बाबर बहुत बुरा फंस गया है। बेटा सच्ची बात तो ये है कि सारी गेम जो है वो पैसे की है, पैसे की। उन लोगों ने इकदामे कत्ल का पर्चा कटवाया है, दहशतगर्दी का। और सच्ची बात तो ये है, अगर वो चाहे ना तो बाबर को टारगेट किलिंग में मरवा भी सकते हैं। आप मुझे थाने ले चले, मैं उनके तरले मिनते करती हूँ, पैरों में पड़ जाती हूँ कि मेरे भाई को रिहा कर दे बस। ना बेटा ना, पुलिस वालों को तरले मिनतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तो रास्ता होगा ना। बस बेटा, मेरी अकल में तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता जाता है वाजिद साहब के पास। देख बेटा, वाजिद साहब जो है वो बहुत ही असर रसूख वाले आदमी है। अगर भाभी जी खुद बात करें ना तो मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। यहाँ क्यों लेकर आए मुझे? आजाद करने। आजाद करने? लेकिन यहाँ इतने वीराने में क्यों? ज़्यादा बहस मत कर। क्या कर रहे हैं? भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। भाई, भाई, क्या हुआ सम्मी? भाई को बचा ले, भाई को बचा ले, वो कत्ल कर देंगे उनको। कुछ नहीं होगा भाई, मुझे अभी जाना है भाई के पास, मुझे अभी भाई से मिलना है, मुझे भाई के पास लेके जाए, मुझे जैन बेटा के पास लेके जैन जरा खोलना, मुझे भाई से मिलना है प्लीज, वो कत्ल कर देंगे, वो कत्ल कर देंगे। भाभी जी सब खैरियत है? चाचू बुरा ख्वाब देख लिया इसने, घबरा गया। चाचू प्लीज भाई को ले आप, अभी अभी वाजिद साहब के पास जाएं ताकि भाई को बचा ले, वो कत्ल कर देंगे। बेटा कुछ नहीं होता, बाबा बिल्कुल सही है, बस सब ठीक हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह पे भरोसा है ना, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब सितारा बेटा इस वक्त बहुत रात हो गई है, मैं सुबह तुम्हें लेके जाऊंगा थाने। मेरी बात नहीं मान रहे बेटा, ये वक्त मुनासिब नहीं है, इस वक्त जाना ठीक नहीं है। आप अभी वाजिद साहब के पास जाए, उनसे कह मेरे भाई को आजाद कर दे, प्लीज अभी चले जाए ना। मेरी बात सुनो, सुबह सुबह होगी मैं खुद जाऊंगी, मैं सुबह चली जाऊंगी, मैं चाचू के साथ चली जाऊंगी। लो बेटा लेट जाओ, तुमने बुरा ख्वाब देखा है, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। अभी पानी पिलाइए इसे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आराम से सो जाओ अभी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हाँ ठीक है मुराद, ठीक है ठीक है, सब सही हो जाएगा। दोनों यहाँ क्या कर रहे? ये ठीक जगह नहीं है, यहाँ अच्छे लोग नहीं होते। आप आपको सितारा को यहाँ नहीं लेके आना चाहिए था। मेरे अलावा अम्मी के साथ कौन आएगा? आपके सिवा हमारा एक ये काफी तो वाहिद सहारा है। मुझे माफ कर दीजिए, आज जो मेरे साथ हो रहा है ना, सब आपके साथ की हुई नाफरमानियों की सजा मिल रही है मुझे। जब आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखा। ऐसे मत कहो, तुम कुछ भी कर लोगे मेरा दिल नहीं दुखेगा, बस मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं,
किसे शिकवा नहीं आपको मुझसे, मैं ही आप लोगों का वाहिद सहारा था, जिम्मेदारी थे आप लोग मेरी, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक लोग हैं ये, हर हाल में मुझे सजाए मौत दिलवाएंगे। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करें, और आपको हिम्मत नहीं आनी, हम आपके साथ हैं ना, आपको निकलवा देंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, बस मेरी एक दरख्वास्त है आप लोगों से, हमसे कुछ भी हो जाए ना, इरम का ख्याल रखिएगा, वो माँ बनने वाली है। क्या चले बीबी, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। हाँ भाई, बस हम जा रही है, खाना दे दें इसको। ये अपने चाय पानी के लिए रख लो। चले अब तो टाइम देना पड़ेगा। आप हिम्मत नहीं हार सकते, परेशान नहीं होना, साथ है आपके, कुछ नहीं होने देंगे। बहुत मुबारक हो, अपना ख्याल रखना बहुत सारा, और आप मैं परेशान नहीं हूँ, भाई जल्दी वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसे फोन मिला रही हूँ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाचू। चाचू आप प्लीज आ जाइए जल्दी से, अम्मी को जाना है वाजिद साहब के घर। जी ठीक, ओके। जाना पड़ेगा अम्मी। जी अम्मी, आप उनसे कहें कि प्लीज वो हमारी मदद करें, जो भी खर्चा आएगा हम उन्हें सब लौटा देंगे, मैं खुद जॉब करूंगी। अम्मी मैं भी स्कूल में पढ़ाऊंगी, ट्यूशन्स भी पढ़ा दूंगी, सारा कर्जा अदा कर देंगे हम, बस अभी भाई वापस आ जाए ना। I swear शाह, I am so happy। पता है सच पूछो तो थोड़ा सा तरस आया था उस पर, कि फिर मुझे ख्याल आया जो उसने तुम्हारे बच्चे के साथ किया है, आई मीन एक माँ खुद अपने बच्चे को कैसे मार सकती है, ख्याल रखना चाहिए था ना उसे अपना। हाँ मेरा बच्चा, एक माँ अपने बच्चे की जान कैसे ले सकती, मैं जानता हूँ सब कुछ उसने जानबूझ के किया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, बदला लूंगा उसे, वो भी उसी तकलीफ से गुजरेगी जिस तकलीफ से आज मैं खुद गुजर रहा हूं। ओ सना सना, भूल जाओ सारी बात, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, बल्कि असल मोहब्बत का एहसास तो मुझे तुम्हें पाने के बाद हुआ है। क्या बदतमीजी है ये, और तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, ऐसी प्यार भरी बातें मुझसे किया करते थे, और आज मेरे सामने किसी और से ये बातें कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, जवाब दो मुझे। क्योंकि बेजार आ गया हूं मैं तुमसे, तंग आ गया, मत खड़ी हुआ करो मेरे सामने सवालों का अंबार लगा कर, क्योंकि ना ही मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब है और ना ही मैं दे सकता। मेरी बात तो चलो, ये तो अच्छी बात है, कम से कम ताईजान को कोई खुशखबरी तो सुनने को मिली। तपती धूप पे पड़ी सूखी रेत पर
बारिश के चंद कतरे गिरे। सब कुछ ठीक तो है ना सितारा? तुम्हें या किसी और को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? चाचू बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। तो इतनी उदास क्यों हो? इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम सितारा? भाई लॉकअप में है दानिश। क्या कह रही हो सितारा? कैसे, कब, क्या किया उन्होंने? ना ही अबू ने इतला दी और ना ही ताईजान ने कुछ बताया। मम्मी बहुत परेशान है दानिश। पता नहीं उनकी किस्मत में इतने दुख क्यों लग गया। पता नहीं उनकी जिंदगी से परेशानियां कब जाएंगी और सुकून कब आएगा। तो ऐसे लगता है जैसे आंसू भी खुश्क हो गए हैं। हर दिन एक नई परेशानी, नई फिक्र और नए इम्तिहान से शुरू होता है। तुम फिक्र मत करो सितारा, मैं अबू से बात करता हूँ, वो कुछ भी करके बाबर भाई को बस छुड़वा देंगे। चाचू हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं भाई कब आएंगे। आएंगे सितारा, जरूर आएंगे, तुम प्लीज परेशान मत हो। परेशान? अबू जी चले गए, भाई लॉकअप में है, हम तरपते की ठोकरे खा रहे हैं और हम कह रहे हो परेशान ना हो। इतनी मायूसी वाले बातें मत करो सितारा। पता नहीं दानिश अब अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं और मजीद कितनी बेबसी लिखी है हमारी जिंदगी में। इस तरह बातें मत करो, मैं अबू से बात करता हूँ, तुम प्लीज हौसला करो, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ, ठीक है? जी मारा तो है उसने, मैंने इनकार कब किया है? ऐसा ना कहे मुनीर साहब, कोई तो रास्ता होगा, कोई तरीका होगा बाबर को बाहर निकालने का। हाँ ये किया जा सकता है, मतलब मैं बात करके बताऊं। ठीक है मैं बात करके बता दूं। क्या कह रहे थे बाबर साहब? कह रहे थे कि दो तरीके हो सकते हैं, एक तो कोर्ट के थ्रू, वहां तो साला साल केस चलते रहते हैं लेकिन रिहाई मुमकिन नहीं हो पाती। अल्लाह ना करे वाजिद साहब हमारे बाबर के साथ ऐसा हो। दूसरा रास्ता? दूसरा ये कि पैसे दे दिला के मामला रफा दफा किए जा सकते हैं। कितने पैसे? यही लगभग 45-50 लाख। 50 लाख आज अभी तो बहुत ही ज्यादा पैसे हैं। मैंने आपके सामने बात की है, मेरा बच्चा तो मर जाएगा, ये तो बहुत जुल्म है। वाकई सब मैं जानता हूं, अगर आप कोशिश करें ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमारा सहारा तो आप ही हैं इस वक्त, आप ही को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, परेशान ना हो, कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि उसके साथ मारपीट ना हो, और वैसे भी कल कोर्ट में हड़ताल है तो कल सेशन तो होगा नहीं, परसों कोर्ट ले जाने से पहले मैं कुछ करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ कुछ। भाभी ये आपने मेरे लिए बनाया है? हटो, भाभी के लिए है। क्या भरचित भाभी के लिए बनाती रहती है, वो तो अभी भी हमारे साथ ठीक नहीं है। क्यों आप और अम्मी उनकी खिदमत करके उन्हें सर पे चढ़ा रही हैं? बच्चे हो ना, बच्चों वाली बातें किया करो। अच्छा सुने तो बोलो, वो बेबी कब आ रहा है? मैंने अभी तुमसे क्या कहा है, बच्चों वाली बातें किया करो, हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास तुम्हारा।
अंगूठी कहाँ है? चंदा, चंदा जी, इसकी अंगूठी कहाँ? मुझे नहीं पता, सारे सेट चीजें मैंने आपको दे दी थी। अंगूठी तो नहीं है ना, कहाँ है इसकी अंगूठी? मुझे नहीं पता। क्यों मतलब नहीं पता, घर में देकर आई हो? बताओ, बोलो। मैंने किसी को बच गई। जाओ। हेलो जी भाई, नहीं बस आप ही की दुकान की तरफ आने वाली हूँ। असल में मेरे बेटे की शादी हो रही है ना, तो बहू के लिए जेवर बनवाने हैं। वो शादी तो खत्म हो गई, बस बेचारा फंस गया था मेरा बेटा। जी जी, बस आप ना अच्छे अच्छे नए डिजाइन निकाल के रखिएगा, बस कि कदीम जमाने के कोई ना हो। बस ठीक है, आऊंगी तो देख लूंगी। भाभी जी, जो बात मैं करना चाह रहा हूं उसके लिए ना तो मेरा दिल मान रहा है और ना ही मेरी जुबान मेरा साथ दे रही है। क्या हुआ चाचू, ऐसी क्या बात है? बेटा वो बाबर को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा। वो क्या है चाचू? बेटा बाबर की रिहाई के लिए जितने पैसे दरकार हैं उसका बंदोबस्त ना तो मैं कर सकता हूँ और ना ही दानिश। दानिश को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भाभी जी, मैं भी यही चाह रहा था, परदेश है ऐसी बेचारा परेशान होगा, लेकिन बच्ची है, रोते हुए फोन कर दिया उसे। क्या जरूरत थी बताने की? सबने मुझे परेशान करके रख दिया, समझ नहीं आ रहा इस मुश्किल से कैसे जान छूटे। भाभी जी, आप अपना घर भेज दीजिए। भाभी जी, हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, ये ईंट पत्थर का जो घर है हमारे बच्चों की जिंदगियों से ज्यादा कीमती तो नहीं है। भाभी जी, खुदा ना खास्ता अगर बाबर को कुछ हो गया तो। मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए, ये मैं पहले क्यों नहीं ख्याल आया? अब तो एक ही दिन बचा है, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। जी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल तक ये हो जाए। वो भाभी जी, वो घर के कागजात घर पे पड़े हैं, लॉकर में इरम ने मुझे चाबी दे दी थी। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ, जब बच्चों को पता चलेगा तो कितना दिल दुखेगा, कितने अरमानों से उनके बाप ने उनके लिए ये घर बनाया था। फिलहाल किसी को कुछ मत बताओ। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। मैं चाबी लेके आती हूँ, तुम जाके कागज ले आओ और बस आज ही कुछ करो। इंशाल्लाह, मैं आज ही अभी बाजी साहब से बात करता हूँ। तेरा काम तो बन गया, अभी बात करता हूँ बाजी साहब से। Yes, of course. I'll be there in half an hour. Okay? Bye. Oh, पता है आंटी सही कहती है, बड़ी मनहूस शक्ल है तुम्हारी, तुम्हें देख लो तो पूरा दिन खराब गुजरता है, I swear. कि दरअसल उन लोगों के साथ होता है जो ज्यादती कर रहे होते हैं मेरे साथ। डर जाते हैं वो अंदर से, परेशान हो जाते हैं, खौफ ज्यादा हो जाते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला उन्हें क्या सजा देंगे। जैसे कि तुम कितना डरती हो मुझसे। भूल गई, शहाब ने तुम्हें शादी से इनकार कर दिया था,
क्योंकि वो मुझसे इश्क करता है। और तुमसे तो ये बात ही बर्दाश्त नहीं हुई, तुम ये मुल्क छोड़कर चली गई। तैयारी पकड़ लो, हो सके तो फ्लाइट भी बुक करवा लो, क्या पता कल रात ही जाना पड़ जाए। हटो यहां से। What? घर साफ करना है। Just shut up.